हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ लॉ एंड आर्टिकल्स बताने वाली हूँ जो कि हर एक सिटीज़न को मालूम होना चाहिए, हर एक इंडियन सिटीज़न को इनफैक्ट मालूम होना चाहिए ये सारा लॉज। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला जो लॉ है वो है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो और अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो करके सबूत मिटा देते हो तो आपके ऊपर आर्टिकल नंबर 201 के तहत आपको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। आर्टिकल 201 में आप लोगों को बता दूँ कि क्या होता है। अगर आप कोई सा भी मतलब गलत काम करते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप उसमें सबूत मिटाने में बहुत मददगार होते हो, ठीक है, तो आपको आर्टिकल नंबर 201 के तहत आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है या 7 से ज़्यादा मतलब साल की सज़ा हो सकती है, 7 से ज़्यादा साल की सज़ा आपको हो सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है कि अगर छीना झपटी, अगर कोई आपके साथ छीना झपटी करता है, आप किसी के साथ छीना झपटी करते हो, तो आपके ऊपर धारा नंबर 412 लगती है। याद रखिएगा, धारा नंबर 412 छीना झपटी करने के लिए लगाया जाता है। अगर किसी की माल हानि करने पर धारा नंबर 500 लगता है। धारा नंबर 500 आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या होता है। धारा नंबर 500 में सज़ा 2 वर्ष का होता है, कारावास में आपको रहना पड़ता है, जेल में, और आपको जुर्माना भी देना पड़ता है, ठीक है। तो माल हानि करने पे धारा नंबर 500 लगता है। अगर आप किसी के साथ ठगी करते हो तो आप धारा नंबर 310 आपके ऊपर लगता है। ठगी करने पे धारा नंबर 310 लगता है, जिसमें कि आपको 8 से 10 साल की सज़ा होती है। पांचवा है कि दहेज के लिए अगर आप किसी की मृत्यु कर देते हो या तो आप पर धारा नंबर 304B लगता है। याद रखिएगा, अगर आप एक लड़की हैं और अगर आपके इन लॉज फैमिली वाले अगर आप पे दबाव बना रहे हैं कि तुम डाउरी लाओ, दहेज लाओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे, तो याद रखिएगा आपके पास राइट है पुलिस में कंप्लेन करने का। तो प्लीज़ पुलिस में आप लोग ज़रूर कंप्लेन करिएगा, और अगर आपके पास आप चाहे तो वुमेन हेल्पलाइन में भी कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कई लेडीज़ को मालूम नहीं होता है कि हमारे फैमिली इन लॉज वाले मांग रहे हैं हमसे बहुत ज़्यादा डाउरी, और हम इतने नहीं है कि हम डाउरी दे पाएँ। डाउरी हम क्यों देंगे, नहीं देंगे। तो अगर आप दहेज के लिए अगर आप किसी की मृत्यु कर देते हो तो आप पर धारा नंबर 304B लगता है। उसमें क्या होता है कि 7 वर्ष से आजीवन आपको कारावास में रहना पड़ता है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा नंबर 376 लगती है, जिसमें कि सज़ा होता है 7 से 10 साल की कड़ी सज़ा होती है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ रेप हो रहा है या फिर अटेम्प्ट टू रेप हो रहा है, रेप करने का लोग ट्राई कर रहे हैं, तो धारा नंबर 376 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि 7 से 10 साल की कड़ी सज़ा होती है। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी अपने इस वीडियो में कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें प्रेम है और अपने प्रेमी प्रेमिका शादी करने का विचार कर लिए हैं, उन्होंने शादी करनी है, तो अपनी पसंद से वो बेशक कर सकते हैं। अगर लड़की 18 वर्ष से अधिक है और लड़का अगर 21 वर्ष से अधिक है तो बिल्कुल वो दोनों विवाह कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में एक दूसरे के साथ रहने का और कानून की सुरक्षा ले सकते हैं। अगर मतलब उनके पेरेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शादी के लिए नहीं मान रहे हैं कि वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारे दुश्मन है, हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर उसके तहत आप आर्टिकल 21 के तहत अपने पुलिस में कंप्लेन करके आप सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप लड़की जो है वो 18 प्लस है और जो लड़का जो है वो 21 प्लस है। अभी थोड़ा मैरिजेबल जो एज है वो थोड़ा चेंज होने वाला है, तो शायद अभी ये कम्प्लीटली भी डिसाइड नहीं किया गया है, बट जो लड़की का जो मैरिजेबल जो एज है वो 18 से बढ़ा करके 21 तक करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। एंड जो
मेल का है, जो बॉय का जो मैरिजेबल एज है वो 21 ही रहेगा। तो मतलब लड़की लड़का दोनों इस तरीके से बराबर आएगा, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को कुछ लॉज एंड आर्टिकल्स बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।